बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केएससी 100 इंडेक्स लगातार 15 दिनों से ऊपर जा रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको इंपैक्ट कर रही हैं। काफी सारी चीजें हम पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं और आज मेरा फोकस रहेगा सीमेंट सेक्टर पे और टैक्स जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो आप लोगों को आने वाले दिनों में जरूर फायदा देगी। और जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही हुआ है। आज अगर मैं आप लोगों को मार्केट समरी जिस टाइम दिखाऊंगा तो जितने भी इसमें स्किप्स थे केएससी 100 इंडेक्स में सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड सब ऊपर गए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले, हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि केएससी 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी आई है आज के दिन में अगेन, और 428 पॉइंट्स केएससी 100 इंडेक्स आज के दिन में ओवरऑल ऊपर गया है, 1.18% बनता है जो के। और आप लोगों को जल्दी से मैं मार्केट समरी की तरफ लेके चलता हूं और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज भी है जिसमें जिसका फायदा आप लोग भी उठा सकते हैं। उससे पहले देख लें आप लोग मार्केट समरी। मार्केट समरी में सीमेंट सेक्टर आप लोगों के सामने ऊपर है। सीमेंट सेक्टर में जितने भी स्किप्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में ऊपर गए हैं, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में उसी तरह से ही हुआ है। और जो दूसरा सेक्टर है वो है इंजीनियरिंग सेक्टर, जो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। ये दो सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं केएससी 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में, फिर उसके बाद ऑयल सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे चल के देखते हैं कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसकी वजह से ये सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, जो आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर फायदा देंगे। तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग न्यू फर्स्ट है मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो जल्दी से देखते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है 30 बिलियन रुपीज की जो सब्सिडी मिलेगी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट। आप लोगों को पता है कि जिस टाइम की पीटीआई गवर्नमेंट आई थी या इलेक्शन के टाइम में ये अनाउंस कर रहे थे कि ये घर बनाएंगे गरीब आवाम के लिए, तो जो उसका एक स्टेप लिया गया जिसका इंपैक्ट आप लोगों ने केएससी 100 इंडेक्स में देखा है, सीमेंट सेक्टर पे देखा है, वो मैं रीजनिंग के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसका इंपैक्ट आ रहा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी, नया पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसको चेयर की है, फ्राइडे को यह मीटिंग हुई थी, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जो भी घर बनाएगा पाकिस्तान में, अगर वो 5 मरले का घर बनाता है तो उसको 5% इंटरेस्ट रेट, जो सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट होगा, कम इंटरेस्ट रेट होगा नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से, वो देना पड़ेगा। और 10 मरले का अगर कोई घर बनाता है तो उसको 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो नॉर्मल रेट से काफी कम है। तो गवर्नमेंट काफी सारी कोशिश कर रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाने के लिए। फिर उसके बाद जो इनका फोकस है कि गरीब आवाम को सस्ते से सस्ता घर प्रोवाइड हो, क्योंकि बाकी कंट्रीज अगर आप लोग कंपेरिजन करें इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज में, अगर आप लोगों के अगर कोई जानने वाले हैं आप लोगों को पता होगा कि उनको घर बहुत आसानी से मिल जाता है या वो अपना घर बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल होती है कि अपनी पूरी जिंदगी में एक छोटा सा घर भी बना सके, जिसकी कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो मीटिंग में काफी सारे अच्छे डिसीजन लिए गए हैं। फिर उसके बाद स्टेट बैंक और जितने भी बैंक, स्टेट बैंक को छोड़ के जितने भी बैंक हैं उनको ये डायरेक्शन दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से कि वो एलोकेट करें फंड्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, जो 5% अगर वो फंड्स रखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जिसका फायदा होगा कि गरीब आवाम सस्ते कर्जे लेके अपने घर बना सकेगी। तो ये एलोकेशन जो एक्सपेक्ट की जा रही है 5% जो स्टेट बैंक और दूसरे जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के, वो मिला के 330 बिलियन रुपए बनते हैं। तो अगर ये सब्सिडी मिलती है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम पे या इस सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था जिस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फोकस कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके साथ ऑलमोस्ट 40 से 45 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होती हैं। अगर ये पहिया चलेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चल पड़ेगा, पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, अगर उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर लेके जाना है। तो बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जी, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इश्यू होता है, कोई भी नई सोसाइटी अगर शुरू होती है तो पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत कम चीजें हैं जो नए इन्वेस्टर्स को फायदा देते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जब वो अपनी नई हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं उनको आरडीए से, सीडीए से या जो भी रेलिवेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है, बहुत बड़े स्टेप्स लेके उनको इस अप्रूवल से गुजरना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान
खान ने जो मीटिंग चेयर की है फ्राइडे को, फॉर्चुनेट है आप लोगों के लिए कि इन्होंने कोशिश की है कि कम से कम जो एनओसी लेने के लिए जो प्रोसीजर है वो कम से कम किया जाए और वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। इसके लिए इन्होंने कंसल्टेशन की है बाकी प्रोवेंसेस के साथ, बाकी सूबों के साथ, जो अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है उन्होंने। तो ये अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की इकॉनमी के जो पहिया है वो चलना शुरू होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो हर्डल्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खत्म करते जा रहे हैं। इस वीडियो के एंड पे देखते हैं कि क्यों सीमेंट सेक्टर में बूम आया है और इंजीनियरिंग सेक्टर में बूम आया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये चीजें समझ के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर आने वाले दिनों में फायदा होगा अपनी इन्वेस्टमेंट में। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में काला धन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इलीगल मनी बहुत ज्यादा है, तो वो सिस्टम में लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पीटीआई गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है पिछले काफी टाइम से। आप लोगों को पता है एमनेस्टी स्कीम भी एक दफा आई थी कि काला धन किसी तरह सिस्टम में लाया जाए। सिस्टम में जिस समय पैसा आता है तो टैक्स कलेक्शन अल्टीमेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बढ़ना शुरू होता है। तो ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ाया जाए, काला धन यहां पे लाए, इलीगल मनी यहां पे लेके आए, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा और उसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो गरीब आवाम को इससे बहुत ज्यादा फायदा है अगर आप लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी अनाउंसमेंट की है कि वो हर वीक ये मीटिंग चेयर किया करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोगों के लिए चीजें समझना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को फिगर्स शेयर करना चाहता हूं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मीटिंग में शेयर की है कि यूरोपीय ममालिक में जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, जितने भी नए घर बनते हैं, वो 90% फंडेड होते हैं। यूरोपीय ममालिक में 90% फंडेड होते हैं बैंक से। बैंक उनको कर्जे देती है, इजी कर्जे देती है, जिसकी वजह से वो अपना घर आराम से बना लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम नेबरिंग कंट्रीज में बात की जाए तो इंडिया में बहुत अच्छा रेट है इसका, 10% जो फाइनेंसिंग होती है वो बैंक्स की तरफ से होती है। ओवरऑल जितने भी घर बनते हैं नए इंडिया में, जिसमें 10% जो बैंक्स हैं वहां के, वो उनको सस्ते कर्जे देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में 0.2% रेट है जो बैंक्स फाइनेंस करते हैं जो घरों को, गरीबों के घरों के लिए, या जो भी कोई घर बनाता है उसके घरों के लिए 0.2%। आप इमेजिन करें कि 90% यूरोप दे रहा है, फिर उसके बाद 10% इंडिया दे रहा है और सिर्फ 0.2% ये पाकिस्तान के बैंक्स फाइनेंस करते हैं घरों के लिए। तो बहुत ही खराब हालत है पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और अनफॉर्चुनेटली इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया पिछले एतवार में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यही है कि इसकी वजह से जो कनेक्टेड होती हैं इंडस्ट्रीज उनको भी चलाया जाए, टैक्स कलेक्शन को ऑब्वियसली बढ़ाया जाए, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। इससे सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है हर मुल्क में जो बाकी इंडस्ट्रीज को भी साथ लेके चलती है। लेट्स सपोज आप लोग अगर घर बनाते हैं तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स भी चाहिए होते हैं, वुड के आइटम्स भी चाहिए होते हैं, सैनिटरी के आइटम्स भी चाहिए होते हैं। इस तरह से काफी सारी इंडस्ट्री इसके साथ कनेक्टेड होती है। तो अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्यादत में और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पाकिस्तान में ये इंप्लीमेंट हो गए और ये पहिया चल पड़ा तो पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। फिर उसके बाद जी मैंने FBR से रिलेटेड आप लोगों को बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तानियों के लिए, एक जो गुड न्यूज मैंने आप लोगों को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड दी है, अब आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पता है कि पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। अब ये बताने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीमेंट सेक्टर में क्यों बूम आ रहा है। अब ये देख लें, ये आर्टिकल है डॉन न्यूज की, ये जो दूसरा आर्टिकल मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिलेटेड जो आप लोगों को बताया है इसमें से एनालिसिस किया है। फिर उसके बाद जो FBR का जो है आप लोगों को आर्टिकल पढ़ के बताऊंगा, इसमें से काफी चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये दोनों के जो लिंक्स हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको ओपन कीजिए, पढ़िए, ताकि आप लोगों को पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में पता लगे, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे इन्वेस्टर बन सके। क्योंकि अगर आप लोग किसी से पूछ के, किसी के डिपेंड करेंगे किसी पे कि वो आप लोगों को बता दे कि कौन से शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, तो आप लोग कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। शॉर्टर टर्म के लिए शायद आप लोग प्रॉफिट कमा लें, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए आप लोग अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते अनफॉर्चुनेटली। तो पाकिस्तान के FBR में जो टैक्स कलेक्शन करती है पाकिस्तान में, वो FBR का जो इदारा है वो दुनिया के करप्ट
तीन अदारों में आता है जो दुनिया के सबसे करप्ट तीन अदारे हैं उनमें शुमार होता है FBR का। अनफॉर्चुनेटली PTI गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन काफी बेहतर हुआ था जनवरी फरवरी तक काफी बेहतर हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है कि COVID-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जब ये लॉकडाउन लगा था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन काफी सारी कम हो गई थी। तो 1000 अरब का शॉर्टफॉल रहा है इस दफा भी, इस साल भी 1000 अरब अगर ये कलेक्शन हो जाती तो आप लोग सोचेंगे इकॉनमी कहां से कहां लेके जा सकती थी, कितने डेवलपमेंट फंड्स इशू हो सकते थे इसकी वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1000 अरब का शॉर्टफॉल है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 2/3 यानी कि 2/3 जो कलेक्शन होती है, टैक्स कलेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है, जो टैक्स डायरेक्ट सोर्स से होती है या विदहोल्डिंग टैक्स से होती है ये इससे होती है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा कम है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के सिस्टम ऐसे नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है कि कलेक्शन को बढ़ाया जाए पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के जो सबसे खराब तरीन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में उस तरह का कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ऑनलाइन सिस्टम की तरफ नहीं जाएगा तब तक वो अपने टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ा सकता। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फॉर्चुनेटली PTI गवर्नमेंट के अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात रही है पिछले टाइम में जबकि PTI गवर्नमेंट आई है कि 4 FBR के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं इनके टिन्योर में, जो 2 साल का टिन्योर है PTI गवर्नमेंट का उसमें 4 FBR के जो चेयरमैन है वो चेंज हो चुके हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी नया चेयरमैन आता है वो अपनी नई पॉलिसी लेके आता है, जिसकी वजह से पॉलिसीज का तसलसल नहीं है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जो टैक्स टू GDP रेशियो है पाकिस्तान का, जो वो दुनिया के कम तरीन टैक्स टू GDP रेशियोज में आता है, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 10% GDP रेशियो है, वो जो टैक्स टू GDP रेशियो है दुनिया के कम तरीन में आता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, और इनको बेहतर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम या जो पॉइंट ऑफ सेल में इस तरह से इसको कनेक्ट किया जा रहा है FBR के साथ, कोशिश कर रही है PTI की गवर्नमेंट। इस बजट में भी इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल को कनेक्ट करेंगे FBR में, जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और जो सेलर्स हैं उनको इंसेंटिव भी मिलेगा इसकी वजह से, तो ताकि सिस्टम में लाया जाए। और पाकिस्तान में जो टैक्स फाइलर्स हैं वो पीनट्स में है, यानी कि बहुत कम है पाकिस्तान में जो टैक्स फाइलर्स जो सिस्टम में है, यानी कि जिनकी जो इनकम है वो सिस्टमैटिकली FBR देख रहा होता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता होती है, वो बहुत कम लोग हैं। तो बहुत ज्यादा टैक्स फाइलर पाकिस्तान में बनाना बहुत जरूरी है अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इकॉनमी को चलाना है। PTI गवर्नमेंट ने अगर सक्सेसफुली गवर्नमेंट को चलाना है तो टैक्स कलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट जो हर बजट आ रहा है पिछले काफी टाइम से वो डेफिसिट में जा रहा है, तो उस डेफिसिट को कम से कम करने के लिए टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स को कम करना बहुत जरूरी है अगर आप लोगों ने फॉरन रिजर्व बढ़ाने हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को। इसी तरह से ये जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा होता है। अगर आप लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर इसी वजह से बहुत ज्यादा डरता है कि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं वो बहुत खराब हैं, पाकिस्तान में किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में इलीगल मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पिछले काफी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि सिस्टम पे जो ट्रस्ट नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर का, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में आप लोगों को बताता रहा हूं, और दूसरी तरफ आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ये जो चीज़ें FBR में या पाकिस्तान का ऑनलाइन सिस्टम ख़राब है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टर। तो आज की वीडियो में जो मैं एंड पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीमेंट सेक्टर ऊपर जाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 30 अरब रुपये की सब्सिडी का अनाउंसमेंट की थी फ्राइडे को, और पिछले काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जबकि CPAC के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हुए हैं COVID-19 के बाद, और ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जिस स्टार्ट होगा और इससे रिलेटेड जो 30 बिलियन की सब्सिडी मिली है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, हर हफ्ते मीटिंग को चेयर करेंगे ये, तो इसकी वजह से सीमेंट की सेल बढ़ सकती है। सीमेंट की जिस टाइम सेल बढ़ेगी, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था जून के मंथ में 27% ऑलमोस्ट सीमेंट की सेल बढ़ी थी एज कंपेयर टू अप्रैल मई या इन महीनों के मुकाबले में 27% जो सेल बढ़ी थी सीमेंट की, तो इससे ये शो हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर दोबारा चलना स्टार्ट हुआ है, सीमेंट की सेल ज्यादा होना शुरू हुई है। तो
तो जब ये अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद ये आप लोगों ने देखा है आज मंडे के दिन में बहुत ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट हुआ है ये, और सीमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा ऊपर गया है, बहुत इसमें प्रोमिनेंट इंक्रीज आया है, केएससी 100 इंडेक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब ये किस वजह से हुआ है कि किस इसकी सबसे मेन रीजन ये है कि अगर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट को जाके देखेंगे, तो आप लोगों को पता लगेगा एक रेवेन्यू की फिगर होती है वहां पे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीमेंट सेक्टर की जो कंपनीज है उनका रेवेन्यू फिगर बढ़ सकता है, जिससे उसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर होगा, नेट प्रॉफिट बेहतर होगा, अर्निंग पर शेयर बेहतर होगा, इस तरह से उसके जो फंडामेंटल्स हैं जो आप लोग जिनको इन्वेस्टर्स रेशियोज भी जो देखते हैं वो काफी सारी बेहतर होंगी, जिसका इंपैक्ट आप लोगों ने देखा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीमेंट सेक्टर में। तो इसी तरह जो भी न्यूज आती है जिस भी सेक्टर से रिलेटेड आती है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है। मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ कि जितने भी सेक्टर्स हैं अगर आप लोग उसको एक पेज पे लिख लें और उसमें से देखें कि कौन से सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज डेली के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो कौन सी न्यूज आ रही है, उस न्यूज को देखने के बाद अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे उस सेक्टर में, जिस तरह से सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, अगर आप लोग सीमेंट सेक्टर को टारगेट करते फिर कंपनी के टेक्निकल्स निकाल फिर उनके फंडामेंटल्स को देखते तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, बिलीव मी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स कोशिश कर रहे होते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो किसी को बता दे कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है और कौन सा शेयर नीचे जा रहा है तो वो उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन इस तरह से अगर किसी को पता लग जाए तो वो सारे उसी तरह से इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात है आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी वीडियोस देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।